सहनाभवतु सहनोऽघ्नस्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। श्रुतिपुरा आलयं कर्णालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं सर्ववेदांत सिद्धांत श्लोक गाते समय भी इस सीरियल मैंने सीरियल क्रम का याद रखना। संकरम पहले जैसे मैंने लिखा था मेरा पढ़ते समय 84 में लिखा हुआ था, मेरे आचार्य गा रहे थे उसी, इसने श्रुति स्टार्ट कर दिया। पहले ओम सहना, उसके बाद गुरु ब्रह्मा, उसके बाद गुरुदेव का समस्त जन कल्याण। ठीक है, तो जो आचार्य पढ़ाते जिस ढंग से वही करो, फिर वो आचार्य पढ़ाएंगे उस उनके दृष्टि से करो। विवेक चूड़ामणि पूरा टोटल पढ़ेंगे तो उधर तीन हुआ और इधर तीन, छह छह श्लोक प्रार्थना करेंगे। तो 1 2 3 ओम सहना भगवत, उसके बाद गुरु ब्रह्मा, उसके बाद हमारे गुरुदेव के, अपने साधु सबका गुरु आपका, एक गुरु जो जिसको आप समर्पण करते हो वो आपके बन गए गुरुदेव का। देन क्योंकि इतना बड़े विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं और अच्छा हुआ शंकराचार्य भी देखा हम लोगों ने, तो शंकर के लिए 2 श्लोक है, उसको संकरम शंकराचार्य, इसलिए लीड में जो सत्संग हॉल का आचार्य दायित्व में है वो 4 में उनके टोन पहले आना चाहिए, तब वो ठीक रहेगा, उदय हो भी कॉन्शियस जो 4, बाकी तुरंत मिलेंगे वो ही कहेंगे मेरे ऑप्शन में कौन भजन गाए कौन है, कोशिश करें वो 4 में से कोई गाए, तो एक ही लोग गा रहे फिर दूसरे को मौका मिलना, सीखेंगे नहीं दूसरे सीख सकते हो। ठीक है, डाइनिंग हॉल में जैसे ग्रुप का हो रहा है सबको देना है, एक ग्रुप का मुझे दे रहा है सादे में दूसरा भी दे, या अगर टाइम नहीं मिलेगा तो कोई लंच दे रहे हैं 7 दिन का तो 3 दिन कोई एक दे 4 दिन दूसरा दे, सीखेंगे जानेंगे, ये सब सीखना है खुद। अभी भी हम इतना आचार्य होने के बाद भी हम भी करते हैं, हम भी बैठते हैं हम भी खड़े रहते हैं, करना चाहिए परंपरा। तो शंकरम शंकराचार्य, उसके बाद स्मृति स्मृति, कभी मेरे से भी हो जाता है उल्टा पल्टा, कोई हो गया तो कोई बड़ा अपराध नहीं है। और हमारे ना शास्त्र में बहुत बढ़िया है, माफ कर दे तो भगवान गुरु माफ कर देते हैं। देखो ना अर्जुन कैसे बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिए, और अर्जुन कह भी रहे आपने थोड़ा सा हंसी हंस हंस करके मुझे माफ कर दिया, ऐसे ही। फिर लास्ट में सर्व वेदांत, ये किताब सेकंड होने पर भी, जब ये फर्स्ट किताब खत्म हो जाएगा ना सेकंड किताब, तो भी ये सर्व वेदांत का ऊपर लिख लेना तीनों सेकंड में, सो दैट उसको आएगा, मैं भी लिखूंगा। ठीक है, चलिए अभी डायरेक्ट टॉपिक को जा रहे हैं, 83 से 86 4 श्लोक में
देहा शक्ति की निंदा, शब्द देखना, देह की निंदा नहीं, ऐसे देह की भी निंदा होती है, मगर देह की निंदा से पहले देहा शक्ति की निंदा, देह की तो निंदा की गई है। देह पंचमहाभूत से आया और पंचमहाभूत में चला जाए, कल हम दोनों में ही देख रहे थे, मॉर्निंग विवेक चूड़ामणि में, इधर उधर भी। ये शरीर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, हमारे जब पास आता है ना शरीर के रूप में, वो हमें कंट्रोल कर देता है, आकाश हमें कंट्रोल करता है, वायु हमें कंट्रोल करता है, अग्नि हमें कंट्रोल कर देता है, जल हमें कंट्रोल करता है, पृथ्वी तत्व हमें कंट्रोल करता है। यही चीज जब भगवान के पास चले जाता है, भगवान के कंट्रोल पे होता है, क्या सुंदर ना विचार। देखो आकाश, हमको एक शरीर मिला, ये जो आकाश तत्व है, जो स्थान में बैठते हैं, जो सोते हैं, आकाश के बिना हम कुछ सोच नहीं सकते। आकाश बोलेगा मैं तुम्हारे एक दिन के लिए छुट्टी लेता हूं, ये दीप क्यों साफ नहीं हुआ, शिवर बोल रहा छुट्टी लिया है, तो अगर आकाश बोलेगा मैं भी छुट्टी लेता हूं, तो हमारी क्या हालत होगी, यहां खाली कुछ सोच ही नहीं पाए, क्योंकि आकाश नहीं है ना, फिर इधर ये हिला नहीं सकते, पेट में कुछ डाल नहीं सकते, क्योंकि आकाश ने कहा कि नहीं छुट्टी ले रहा हो तुम, नो ब्रेकफास्ट, 8 परोठा डाल ही नहीं सकते। आकाश वायु, हो भगवान वायु, ध्रुव ने तपस्या किया और 5वां महीना में कंट्रोल कर दिया, खुद वायु भगवान के पास जा रहे हैं, भागवत चतुर्थ स्कंद, सब लोग जाकर बोल रहे हैं क्या हो रहा है, ये कॉस्मिक इतना स्टैटिक क्यों हो गया। वो शंकराचार्य जी वेद व्यास, वो जो है ना वो वेद व्यास थे, वो पूछ रहे थे, देन वो बोल रहे हैं क्या इतना सुंदर है कि अग्नि क्या है, चिंगारी क्या है, मैथुन क्या है, पुरुष स्त्री कैसे सृष्टि बना, ऐसे लिखा हुआ है, खुश हुए। उसी समय 16 साल और दिया, तो वायु नहीं रहेगा तो स्टैटिक हो जाएगा, कॉस्मिक में भी, माक्रो में भी, और माइक्रो की तो क्या कहना है। सांसें अगर तकलीफ होती है, जो कोविड हो जाता है ना जिसको, सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर वो सांस का वो क्या बोलूं, वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, कितने महत्व है समझ में आएगा। ये जो 2 साल यहां में मिल रहा है ना, मुफ्त में मिल रहा है, हम खाम खाम जो नहीं मिल रहा उसके पछड़े में पड़ा है कि थोड़ा सब्जी नहीं मिल रहा, थोड़ा वो नहीं मिल रहा, थोड़ा वो मिल रहा। अरे जो मिल रहा है, नाटक में देखा नहीं कृष्ण क्या कह रहे हैं, दाऊ जी चिंता मत कीजिए, इतना सुंदर वातावरण कहाँ मिलेगा हमें, फिर वो संसार में फंस जाएंगे। कितना सुंदर, यहां हम लोग अच्छे से रहेंगे करके डेलीगेट्स को मना किया जाता है, मत आओ, हम लोगों के लिए यहां आएंगे तो आश्रम के लिए कमाई है, नहीं कमाई इंपोर्टेंट नहीं है, हमारे ब्रह्मचारी सुरक्षित रहे, हमें मुक्त सब मिल रहा है। वायु की महत्व समझेंगे जब थोड़ा सा हमें सांसें दिक्कत होगी, अग्नि थोड़ा सा कुछ परोठा खा देते तो होता है ना, क्योंकि अग्नि मानदेय हो गया, अग्नि हमारे कमजोर हो गई, तब समझेंगे अग्नि का महत्व है। जल, जो प्यास लगती पानी नहीं मिलता है, प्यास के लिए तरसते हैं, पृथ्वी तत्व, थोड़ा सा कुछ गलत हो जाता है, कहीं स्किन फट गया, कहीं कुछ हो गया, शरीर के जो पृथ्वी तत्व है,
ये हमें इतना अधीन रखा हुआ है, हम उसके हर क्षण किसी ना किसी अधीन में जा रहे हैं। ये पांचों भगवान के अधीन है। मैं जीव हूं, तुम ईश्वर हो, तुझमें मुझमें बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं जगत के हाथों में, जगत तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे। कितना सुंदर है, ये है भक्ति भाव। ये जो देह है, देह में जो पंच महाभूत है, हम उसके कंट्रोल में है। जब भगवान का चिंतन करते हैं, प्रभु पंच महाभूत को आप कंट्रोल करते हो। अब कहते देह के प्रति जो कितना भी समझे आसक्ति, तो ये जन्मांतर है, लेके आ रहे हैं अनादिकाल से। अनादिकाल से जीवात्मा अपने वासना के कारण अपने स्वरूप को न समझ करके अपने आप को शरीर समझता है, इसलिए वो कहते देहाशक्ति की निंदा। देहाशक्ति क्या है सुन लो, 83। अनोक्षणम यत् परिहृत्य कृत्यम्, अनाद्य विद्या कृतबंध मोक्षण, देहा परार्थोयम मोक्ष्य पोषणे, यः सज्जते स सुमनेन हन्ते, देह को कष्ट नहीं देना है, देह को निंदा नहीं करनी है, देह को दूर नहीं करना है, देह को पेन नहीं देना है, समझना है देह क्या है कि मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। प्रसिद्ध श्लोक है, ये जो शरीर है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये सुना है सूत्र, नहीं सुना तो लिखो। शरीरम आद्यम, ये शरीर पहले है, शरीर को छोड़कर कुछ कर सकते हो? शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को न बहुत कुछ सुख दोगे, न शरीर को बहुत कुछ दुख दोगे, नहीं, साधना की दृष्टि से करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मगर इतना नहीं कि जो आप सहन नहीं कर सकते। सुंदर कथा है, कहा है कि नहीं पता नहीं, भगवान बुद्ध देव उसरों राजकुमार के बारे में कहा, थोड़ा ना ठीक से करो ना, चालीस दिन में भगवान बुद्ध देव बोधिसत्व को प्राप्त किया। बुद्ध गया कौन गया, सुंदर बरगद के पेड़ अभी भी है, भक्त लोग जाते हैं वहां बैठते हैं, प्रणाम करते हैं, ये है हमारी महापुरुष की खासियत है। जगह तीर्था ने तीर्थ कुरवंते, नारद भक्ति सूत्र, तीर्थ को महान बना देते, तीर्थ बना देते कोई महापुरुष आ, ये जैसे ये तीर्थ हो गया, गुरुदेव ने बना दिया। कपिल गुफा गुरुदेव ने बताया ये कपिल है, सिद्धवाड़ी इसीलिए हुआ, गुरुदेव से पहले सिद्धवाड़ी था, कहीं पढ़े होंगे या उनके मन में उनके गुरु है, संत है, उनके अंदर से स्फुरण हो जाता है। सिद्धवाड़ी, बाड़ी माने क्या पता है, आंगनबाड़ी, बंगाल में बाड़ी बोलते हैं जगह को, घर को, तुम्हारी बाड़ी को था है, बंगाली भाषा बहुत सुंदर है, बंगाली उड़िया असम, ये तीन बहनें हैं, असम कौन है, असम सिक्किम नहीं, हाँ तुम असम, पंकज भी फायदा ले लिया, मैं इधर भी जा रहा हूँ उधर भी जा रहा हूँ, बंगाल
इंडिया एंड असम, ये तीन बहनें हैं। तुम्हारी बाड़ी कुथा है? बाड़ी माने घर, सिद्धों के घर है। सिद्धानम कपिलो मुनि, भगवत गीता के विभूति योग में कहते हैं सिद्धों में कपिल मुनि, कहते कपिल भगवान जन्म हुए थे। है भी सुंदर जंगल, अभी भी जंगल है देखो तो। हम लोग ने तो जल्दी आ गए, अगर थोड़ा सा देखते और कंटेम्पलेट करते, तुम लोग तो पेट्रोलियम गैस जल्दी कर लोगे, इसीलिए मैंने ज्यादा समय रखा नहीं, पकड़ लोगे जल्दी, सेकेंड टाइम भी जाएंगे। कितना सुंदर, अभी भी जंगल है जहां पर फोटो उठाया, जंगल ही जंगल है। जो रास्ता है जरूर वहीं पर जन्म हुए होंगे, ये तो मंदिर, और वो तो बाद में बना है, अभी उस समय सोचो, सत्ययुग की बात। और ये जो नदी है जिसमें स्नान किया, उसमें ये भावना रखना, ये देवहूति है, भागवत में वर्णन है। क्या वर्णन पता है भागवत में? माँ को जो प्रवचन दिया भगवान ने, कपिल भगवान है, कलावतार है, अंशावतार, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा माँ ने, और माँ भगवान बोल रहे, अपने पुत्र है भगवान बोल रहे, वो समझ गई ना, भगवान ही मेरे पुत्र बनकर के आए। प्रश्न पूछा, बहुत कुछ बताया, जो गीता में नहीं बताया वो बताया, अष्टांग मार्ग, भक्ति, सब कुछ सरल मार्ग। बाद में भगवान की स्थिति में पहुंच करके अपने आप में शरीर त्याग किया और पवित्र नदी बन गई। गुरुदेव कहते हैं वही नदी ही है, देवहूति नदी, क्योंकि गांव के लोग जानते नहीं है, इसलिए कोई दूसरा हिमाचली गांव में नाम हो जाता है। और गुरुदेव ने 25-30 साल पहले यही कहा था, और यही है, हम स्वीकार करते हैं, है ना? तो तीर्थ बन गया कि नहीं? तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति, संत आते हैं और तीर्थ बना देते हैं। बद्रीनाथ भगवान खुद तपस्या करते हैं, तीर्थ बन जाता है। तो ये जो शरीर है, इस शरीर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर साधन करने का पहला है। तो भगवान बुद्ध देव जब कथा बोल रहे थे, ध्यान कर रहे थे, एक राजकुमार था स्रोण अयोध्या का, उसने सोचा, इंस्पायर हो गया, इंस्पायरेशन इज गुड बट नॉट बेहोश के साथ, तुम लोग मत करना, ऐसे कुछ कुछ कर रहे हो, नहीं करना। ठीक इसी हॉल से 84 में मेरे साथ कोर्स कर रहे थे, कभी मिलोगे, मेरे मित्र लखनऊ के, सब कुछ ज्यादा नहीं बोलता हूँ, पता नहीं इंस्पायर हो गए। हम लोग ना बाल विहार क्लास लेने के लिए जाते थे, 1 साल हो गया था कोर्स, हमारे आचार्य संडे में जाओ बाल विहार क्लास लो, तो मेरा कुछ कोई गांव पढ़ रहा था, उसका भी कुछ गांव पढ़ रहा था, तो वहीं से वो भाग गया, टॉयलेट पहुंच गया वो गोमुख में, और हम लोग ढूंढ रहे आचार्य, ही वॉज द बेस्ट स्टूडेंट, और वो मुझे मानता था क्योंकि मैं बहुत सिंसियर था, और हिंदी में वो, हम लोग साथ में ही रहते कॉरिडोर में, उसकी हिंदी लखनऊ हिंदी है, आप जाइए पहले, आप बहुत निष्ठ हिंदी, और मेरी संस्कृत बहुत निष्ठ हो गया था और एक्टिव था, हर काम में मैं करने के लिए तैयार, तो पसंद करता था, और उसकी हिंदी बहुत सुंदर थी, मैं सीखता था। चला गया, दुखी तो हुआ, रोने भी लगा मैं। 1 महीने के बाद पता चला, गोमुख में जाकर के ध्यान करने के लिए, वो समाधि करने के लिए, पता नहीं मन में क्या आया, विवेक चूड़ामणि आदि सब पढ़ने गए, उसको पता नहीं छोड़ छाड़ कर वहां, और बर्फ के कारण उसकी अंगूठी मांस निकल गया, मूर्छित हो गया। ये सच्ची कहानी है, 84-85 की बात है, सच्ची घटना, ये कहानी नहीं है।
फिर मूर्छित होके पता नहीं कहाँ से उसको पता चला, किसी साधु संतों को उत्तर काशी आश्रम में रखा स्वामी ध्यानानंद जी, देन हमारे आचार्य को खबर दिया। देन लखनऊ हॉस्पिटल लिया गया, चिन्मय मिशन हेल्प किया एंड ऑपरेशन हुआ, मांस निकल रहा था, सड़ रहा था। देन पूरा 1 साल ट्रीटमेंट हुआ। 86 सितंबर में हमारा कोर्स खत्म हुआ, गुरुदेव हमें ब्रह्मचारी दीक्षा देंगे। 86 मई महीना में उसने आया, अगस्त में, और सिर्फ एक ही महीना बाकी है। कहा कि मैं कोर्स करूंगा, बैठो मगर दीक्षा नहीं मिलेगी क्यों, कंप्लीट नहीं किया, नेक्स्ट कोर्स करो। तो हमारे साथ उनको नहीं मिला, फिर उन्होंने नेक्स्ट कोर्स किया। बहुत तेज है अभी, बहुत वृंदावन में है, प्रवचन देते हैं। मुझसे अभी मिले थे, मेरठ में गया था, वो भी आए थे, मैं भी आया था, इंडिपेंडेंट। सेकंड बेस पूरा अच्छी तरह से किया, मैंने थर्ड बेस देखा जाए था मेरा सेकंड, वो भी सेकंड बेस के स्टूडेंट थे, फिर थर्ड किया। मेरा पॉइंट केवल, शायद वो भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, मेरा केवल पॉइंट ये है। और जब मैं आचार्य बना ना, इतना खुश हुए स्वामी जी, मैं बहुत ही खुश हुआ, आप मेरे मित्र और आचार्य बने। फिर आए थे मुझे मिलने के लिए यहाँ, फिर मैं वृंदावन में भी 2-3 बार जब भी जाता हूँ मिलता हूँ, बार बार कहते हमारे पास रुको। वो बोलते मैं गरीब की कुटिया हैं और आप तो आचार्य सिद्ध और मिलकर, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले से सेटिंग हो जाता है, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा पर्सनल आपके पास। क्या कहना चाहता हूँ, गलती हम लोग ना करें, दूसरे की गलती से सीखें। इंस्पिरेशन अच्छी है मगर कहीं गलत जोश ना आ जाए, बेहोश हो जाए, हमें समाधि प्राप्त करना, हम छोड़ छाड़ करके जाए, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। शरीर को ध्यान रखना है। अब ये बुद्धदेव क्या बोल रहे देखना, श्रवण राजकुमार ने क्या किया, भगवान बुद्धदेव 40 साल से समाधि प्राप्त की है, बोधिसत्व मैं भी करूंगा, खान पान छोड़ दिया, बैठ गया, 4-5 दिन हो गया, फैल गई बातें, भगवान बुद्धदेव के पास बात गई, भगवान ने जान लिया। अरे वो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते थे, हमारा एक शरीर साधारण है, हमें अपने चादर जितना है उतना ही पैर फैलाना है। चादर अगर 5 फीट के है तो हम अगर पूरा फैलेंगे तो नहीं होगा, शरीर हमारा लिमिटेशन से, ये तो मैं समझा रहा हूँ। बुद्धदेव कुछ नहीं कहा, केवल एक शिष्य का कहा सुनो एक वीणा लेकर आओ। उनको पता था कि श्रवण राजकुमार जो अयोध्या के राजकुमार थे, वीणा व्यसनी थे, बजाते थे, और भोग विलास में रहते थे, उनको सब पता है। शिष्य वीणा लेकर के चलते श्रोण के पास, याद रखना राजकुमार श्रोण नाम, पहुंच दे, किसी ने कान में कहा कि गुरुदेव आ रहे, तो समाधि तो जाएगी गुरुदेव जब आ रहे, मगर गुरुदेव आ रहे सुनेगा भी नहीं। फिर रामचरितमानस के उत्तरकांड के बाद का घोषणा कह रहे, मैंने भी गलती की, शिव मंदिर में बैठा था मैं, स्तोत्र कर रहा था, गुरुदेव आया था, ध्यान ही नहीं दिया, उठा ही नहीं, गुरु तो कुछ बोले नहीं, शिवजी ने अभिशाप दे दिया, जाओ कौवा बनो, अजगर बनो, अनेक ये बनो, काम का। फिर गुरु स्तुति करते हैं कि प्रभु माफ कर दीजिए मेरे शिष्य के लिए, तो कहते ठीक है, उसकी याद आएगी सार जन्म, और बाद में इसी कौवा शरीर से शिव जी ने वर दिया। काकभूषण ने अपनी कथा कहते हैं उत्तराखंड में। गुरुदेव जब आए कान में तो उठ गया, प्रणाम किया, श्रवण बैठो जी गुरुदेव, मैंने सुना कि तुम बहुत सुंदर वीणा बजाते थे, मैं थोड़ा वीणा बजाने सुनने के लिए आया हूं। तो अपने शिष्य से गोद में ले लिया, सामने ही बैठे पास में, और वीणा के जो तार है वो ढीला कर दिया, जब 3 तार होता है वीणा का, ढीला किया। तो श्रोण इतनी गंभीर के साथ तपस्या कर रहा था, थोड़ा मुस्कान किया, गुरुदेव तार
तार को ढीला करने से थोड़ी आवाज आएगी, संगीत आएगी। अच्छा, तो गुरुदेव ने क्या किया, टाइट करने लगे जोर से टाइट। गुरुदेव टूट जाएगा, तार जब टूटेगा तो आवाज क्या आएगी। बुद्ध देव ने रख लिया सर्वम, यही तो कहने के लिए आ रहा हूं, समझा नहीं। जब तुम राजकुमार थे तुम्हारे जीवन के इंद्रिय के तार ढीले थे भोग में, तब तुम्हारे सुंदर जीवन के तरंग, जीवन के संगीत, आनंद के संगीत नहीं निकल रहे थे। अभी तुम प्रसवम जबरदस्त, प्रसवम मतलब जबरदस्त, जबरदस्त ध्यान समाधि करने लगे हो, जबरदस्त टाइट कर रहे हो, शरीर को क्षीण कर रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो। ये तार टूटेंगे, जब तार टूटेगा आवाज कैसे आएगी। इसीलिए सम्यक आहार, सम्यक विचार, सम्यक शयन, अष्ट मार्ग दिया बुद्ध देव ने। सम्यक माने अप्रोप्रिएट, सम्यक माने एग्जैक्ट, सम्यक माने बैलेंस, बैलेंस डाइट, बैलेंस शयन, बैलेंस विचार। इसी को इंग्लिश में गुरुदेव बोलते थे, नॉट टू लूज नॉट टू टाइट जस्ट राइट। इतना सुंदर है, जीवन में पूरा लूज नहीं होना है, लेलम लेला है, सीरियसनेस नहीं है, कितने बार बोला जा रहा है। उत्तम शिष्य वो है गुरु क्या चाहते हैं उसको पालन करें, मध्यम शिष्य वो है गुरु के आदेश का पालन करें, अधम शिष्य वो है गुरु के बोलने के बाद भी आनाकानी से पालन करें। शिष्य ही नहीं है जो पालन नहीं करता है, उसको क्यों शिष्य बोलेगा, जो पालन नहीं करता वो शिष्य नहीं। बने उत्तम शिष्य, कितना सुंदर में समझा दिया बुद्ध देव ने। ये जो शरीर है इसको सुखाने के लिए नहीं है, हाँ वो सुखा सकता है जो पुराणों में लिखते कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप, वो सुखा सकते हैं, उनके पास ताकत है। कंपेयर नहीं करना, गोमुख में जाकर किसी संत ने ध्यान किया, हम नहीं कर सकते। हमारा शरीर देखो, मांस निकल गया, ठंड नहीं सहन सकते। जो कर सकते हैं उसको ही करना, शरीर के प्रति हतादर नहीं करना, शरीर को इतना भी ध्यान नहीं देना, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये, वो भी नहीं करना। अनादि अविद्या जनित बंधन से मुक्ति हित दिलाने हेतु ये शरीर है। जो ये उपयोग नहीं करता है ना, वो तो आत्मघाती है। भगवान गीता में भी कहते हैं, मोघम पार्थ से जीवति स्तेन अविवसः, वो चोर है, वो व्यर्थ जीवन जीता। इसलिए हे शिष्य, शरीर को ज्यादा निंदा मत करो, शरीर को ज्यादा भी श्रृंगार मत करो, जितना जरूरत है इतना करो। मन में रखो ये शरीर एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, मोक्ष के लिए ये आवश्यक है। कितना सुंदर बताया 84, शरीरं पोषणार्थे सन् य आत्मानं दिदृक्षते ग्राहं दारुधिया धृत्या नदीं तर्तुं स गच्छति। दोनों नहीं हो सकता, क्या दोनों नहीं हो सकता है? ना इधर शरीर को मैं मानते हो, इधर शरीर को सब कुछ कर रहे हो, और उसी शरीर के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, होगा नहीं? जैसे एग्जांपल देते हैं, इसलिए हम लोगों का एग्जांपल ढूंढना जरूरत नहीं, आचार्य खुद दे रहे हैं। कैसे ना, एक नदी को पार करना है, एक सागर को पार करना है, तो सागर को पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए चाहिए नौका, चाहिए लकड़ी, लॉग। तुलसीदास जी जैसे पार किया था,
सब भी है, सबके ऊपर भी बैठ करके वो पार कर लिया था, कहानी आती है। तो कोई ग्राह को पकड़ लिया, ग्राह माने मगरमच्छ, पको पकड़ लिया और मुझे पार करना है। ग्राह बोलेगा तू मन में सोच पार करना, मैं तुझे ही खा लूंगा। यही है, शरीर को मैं मानते हो, शरीर को ज्यादा इंपोर्टेंट देते हो और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, होगा क्या? नहीं, शरीर में ही जकड़े जाओगे। फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो शरीर से अनासक्त होना पड़ेगा, शरीर से मोह जो है वो त्याग करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं होता। इसलिए शरीर में रहते हुए शरीर को मैं नहीं मानना, शरीर में रहते हुए शरीर से त्याग करना, शरीर में रहते हुए शरीर के आसक्ति को त्याग करना है। अच्छा, जंगल भी जाएंगे, गोमुख भी जाएंगे, तपस्या करेंगे, शरीर को छोड़कर शरीर को लेकर के पूछता हूं, लेकर के तो शरीर के प्रति आसक्ति है तो जाओगे तो वहीं पर शुरू। गुरुदेव बोलते थे अर्जुन कहां जा रहे हो? हिमालय जाऊंगा, युद्ध करूंगा नहीं, वहां जाकर करोगे क्या? ध्यान, ये तुम्हारा धर्म नहीं, जो भी हो गलत भी हो, मुझे इन लोगों को मारना नहीं है, मैं मारूंगा तो हिंसा होगी। अर्जुन का समझ इतना ही है। अच्छा, भगवान कहते हैं, मैंने गुरुदेव की भाषा है समझाने के लिए, बड़ा सुंदर अप्रोप्रिएट है, तुम अगर जाओगे ना, हाँ, तुम ध्यान एक सेकंड भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय है, 13 साल 12+1 तुमने जो प्राप्त किया ना, पूरा गरम गरम तुम्हारे पास है। तुम गंगोत्री गोमुख में बैठोगे, पेड़ के नीचे बैठोगे, क्या ध्यान करोगे? किसका ध्यान करोगे? विष्णु का, ओम नमो नारायण, शिव जी का किया तो तुमने, शिव जी का ना, तुमने मांगा पशुपतस्त्र, मोक्ष नहीं मांगा। ओके, तुम ध्यान करोगे, एक चिड़िया आएगी, चिड़िया जस्ट आवाज करेगी तो तुम रह नहीं सकते, तुरंत गुस्सा करोगे और पशुपतास्त्र, गांडीवास्त्र, अग्नयास्त्र सब तुम्हें मिला है, वो एक छोड़ोगे। गए थे क्यों? ध्यान करने के लिए। करोगे क्या? यही करोगे। इसका अर्थ है तुम बिना अपना प्रयोग में रह नहीं सकते हो, बेटर वो यूटिलाइज करो अधर्म का नष्ट करने के लिए। ध्यान भी नहीं कर सकते हो तुम, कितना सुंदर बात गुरुदेव बोलते थे। इसलिए कभी भी हमें सोचना नहीं चाहिए हम ना ये प्रचार नहीं करना है, हम पूरा परमात्मा को प्राप्त करना है। सचमुच कर सकते तो बहुत बढ़िया है। कैसे जानेंगे स्वामी जी? उत्तरकाशी, गंगोत्री, ऋषिकेश जाओगे, वहां कुछ नहीं मिलेगा, एक कमरा भी मिलेगा, लेटरिन बाथरूम बाहर है, सीनियर लोग भी वहां भी रैगिंग चलता है, मत समझना रैगिंग नहीं है, वो सात्विक रैगिंग है। वहां रह पाओगे और खाना पीना, वहां दाल जो मिलता है आजकल थोड़ा सा मिलता था, पुराने जमाने में गुरुदेव के समय में मैंने भी देखा 84 में, दाल है पूरा पानी पानी है, और कोई कभी एक बार वो दाल के जो मूंग दाल हो या कोई भी दाल है वो तैरता हुआ जैसे समुद्र में एक जहाज तैर रहा है ऐसे मिलेगा, और रोटी पूरा मोटी मोटी है, तुमको निकलने में मुश्किल है, वो अगर कर पाओगे फिर भी आनंद में रह पाओगे। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब तो बेटर संसार में रहो, साधना करो। कितना सुंदर कहते हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। इसी शरीर को लेकर तो जाओगे, इस शरीर को ही मैं मानोगे, इस शरीर के प्रति आसक्ति हो गई, फिर कहोगे कि मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, नहीं होगा। फिर कहते हैं क्या, देखना, मोह एव महामृत्यु, मुमुक्षु वपुरादिषु
मोह विनिर्जित हो ये नाम समुक्ते पदमर्हते। स्थान प्रॉब्लम नहीं है, जगह प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मोह है, समस्या तो मोह है। हम रूम चेंज करना चाहते हैं, हम भोजन चेंज करना चाहते हैं, हम स्थान चेंज करना चाहते हैं, हम गुरु चेंज करना चाहते हैं, हम साधना चेंज करना चाहते हैं, हम सब चीज चेंज करना चाहते हैं, हम कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं। अरे बाबू क्या करना चाहते हो समझो, अपने अंदर जो आसक्ति है उसको चेंज करो, अपने अंदर जो मोह है उसको चेंज करो। आई विल बी हैप्पी, आई मैंने मैं माधवानंदा जो डेढ़ महीना है, इफ आई विल नॉट लिसन एनी प्रॉब्लम फ्रॉम यू, सब प्रॉब्लम आप अपना एनालिसिस करके चेंज करो। स्वामी जी हाउ टू डील विथ मैनेजमेंट, दैट ऑल्सो यू हैव टू। नहीं स्वामी जी झगड़ा हो जाता है, शांत करो, लक्ष्य क्या है, अर्जुन साधना। नहीं स्वामी जी जब बोल देते हैं ना मैं रह नहीं पाता हूं, कौन रह नहीं पाता, अहंकार ना तुम, अहंकार हटाओ उसको, तुम हो कौन, साधक, किसके साधक, विवेक चूड़ामणि के साधक। आचार्य क्या कहते हैं, आसक्ति को दूर करो, मोह को दूर करो। सिर्फ संस्कृत श्लोक पढ़ना नहीं है, अभ्यास कर, सबको करना है, हमको भी करना है, हमारे भी अहंकार आएगा उसको भी हटाना है। तुम्हें गुरु जी क्यों भेजे, एक रोल करने के लिए। तुम्हें स्वामी स्वरूपानंद जी हेड क्यों भेजे, सिर्फ पढ़ाने के लिए, उतना ही करो, ज्यादा लक्ष्मण रेखा पार मत करो, चेंज मत करो वर्ल्ड को, जिसके लिए कर रहे हो वैसे सबको ही कर। हमारा जो लक्ष्य है, मोह है हमारे अंदर, गंदगी है, मोह आसक्ति है, उसको तो दूर नहीं कर रहे, हम बाहर ढूंढ रहे, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। मोह को दूर करो, मोह को समझो मां मृत्यु। जिसके पास मोह रह गया, सनत सुजाती है, कितना सुंदर ग्रंथ, तरस रहा हूं सचमुच में कि जो गुरु की कृपा से मिला है ना, एक एक ग्रंथ पढ़ा है, सनत सुजाती है बहुत ही सुंदर है, हालांकि थोड़ा सा देरी में पढ़ाया जाता है। उसमें प्रमाद हो वही मृत्यु हो, सनत कुमार कहते धृतराष्ट्र को प्रमाद ही मृत्यु है, और बेचारा धृतराष्ट्र सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर कहते हैं मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुता दिशो यम जित्वा मुनयो यान्ते तद विष्णु परमं पदम। ये मोह होता कैसा है, आचार्य समझने के लिए आसान करने के लिए एग्जाम्पल देते हैं, शरीर स्त्री एटली उससे मुक्त है हम लोग, पुत्र वो भी मुक्त है, नंबर वन नहीं तो नंबर टू कैसे होगा, मतलब शरीर के प्रति वो क्या होता है। गृहस्थ जीवन में अगर 100 आसक्ति है तो बंट जाता है, शरीर के लिए 30, स्त्री के लिए 30, पुत्र के लिए 40, अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, 100 ही 100 है, सब शरीर के लिए आ जाता है। इसलिए देखना उन लोगों का अच्छा है, चैनलाइज हो जाता है, हम लोगों को और मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मचर्य हो गया करके तो 100 इच्छा तो कहीं नष्ट नहीं होगी ना, वो तो रहेगी, तो कहाँ जाता है, शरीर के लिए सब चीज एक ही चैनल हो जाता है। इसलिए और सीरियसनेस लेना है, ये शरीर के प्रति मोह नहीं करना, शरीर स्त्री उसका त्याग करो और कंट्रोल करो। और मुनि क्या करते हैं, उस तद विष्णु परम पद को प्राप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं